हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कृति का किचन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ एक बहुत ही यम्मी, हेल्दी और क्विक रेसिपी, जिसको हम नाम दे सकते हैं दही मायोनीज सैंडविच, जो खाने में बहुत यम्मी लगता है, बहुत क्रीमी होता है इसका टेस्ट और बनाना उतना ही आसान है। बनाना बहुत आसान है, इवन इसे बच्चे भी बहुत लाइक करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप हंग कर लिया है और इसमें हम 2 टेबल स्पून मायोनीज ऐड कर देंगे। मैं यहाँ फनटूज का मायोनीज यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का मायोनीज यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के लिए आप चाहे तो विस्कर का भी यूज कर सकते हैं, मैं इसे स्पून से ही कर रही हूँ। अब देखिए ये अच्छे से हो गया है। ये यहाँ पर मैंने 1/4 कप तीनों का मेजरमेंट रखा है और यहाँ पर रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम एंड बॉयल्ड किए हुए स्वीट कॉर्न यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ही 1 स्मॉल साइज़ का टोमेटो, 1 स्मॉल साइज़ का अनियन मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इन दोनों को भी इसमें डालकर हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। स्पून से देखिए अच्छे से मिक्स हो जा रहा है ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अगर आप स्किप करना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। इसमें 1/2 टीस्पून हम ऐड कर रहे हैं और अब इन दोनों को भी हम सब अच्छे से मिला लेंगे। ये हो गया। यहाँ पे मैंने वाइट ब्रेड यूज किया है, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड यूज कर सकते हैं। अब हम इन सब के किनारों को निकाल लेंगे। आपको जितने सैंडविच बनाने हों उन सब के किनारे आप ब्रेड के निकाल लीजिए। एक चाकू की सहायता से ये आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे ब्रेड के कॉर्नर निकल चुके हैं। अब हम इसमें एक ब्रेड के ऊपर लगाएंगे दही मायोनीज का मिक्सचर। इसे एक चम्मच की सहायता से, स्पून की सहायता से हम इसे ब्रेड पे पूरे अच्छी तरह से बिल्कुल स्प्रेड कर लेंगे। पूरे ब्रेड को हम कवर कर देंगे। देखिए ये आसानी से हो जा रहा है। अब ये हमारा ब्रेड सैंडविच बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। मैं इसे हाफ कट कर रही हूँ, आप इसे ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारा सैंडविच बिल्कुल बनके रेडी है। बन गया ना सैंडविच बिल्कुल 5 मिनट के अंदर, जल्दी से। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है और कितना क्रीमी दिख रहा है ये, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही यमी लगता है ये। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 स्लाइस लिया है और इसके किनारों को मैं नहीं कट करूँगी क्योंकि मुझे ये सेकना है बटर लगा के। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बना रही हूँ। और इन दोनों को भी, इसको भी हम अच्छे से पूरा कवर कर लेंगे ब्रेड को और इसके ऊपर दूसरा रख देंगे। अब ये हो गया है। आप यहाँ पे तावे का यूज कर सकते हैं। इस पर हम बटर डाल देंगे, बटर डाल के इसे अच्छे से फैला लेंगे हम। उसके ऊपर ब्रेड रख देंगे। अब दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही बटर लगा के सेक लेंगे। ये देखिए हो गया है। अब हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी है, ग्रिल्ड किया हुआ एंड विदाउट ग्रिल। अब ये देखिए कितना यमी दिख रहा है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे नेक्स्ट वीडियो आने पे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और सबसे पहले मेरे वीडियो को आप देख सकें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।